मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारप्रिया। चेन्नई में खत्म हुआ पानी, घंटों करना पड़ रहा है पानी का इंतजार, हालत है बद से भी बदतर। पानी विहीन चेन्नई की पूरी कहानी सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। क्या आप सोच सकते हैं कि चेन्नई देश का एक ऐसा शहर बन गया है जहां पानी के लिए 3 से लेकर 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, और वहां हालत इस कदर हो गए हैं कि ऑफिस और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। चेन्नई के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कार्यालयों में अवकाश घोषित करके लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों से ही काम करते रहें। चेन्नई के 9 होटल पूरी तरह से बंद हो गए हैं और 5-स्टार होटल रेडिसन ने अपील की है कि अपने मेहमानों से कि वो पानी बचाने में मदद करें। IT कंपनियों ने भी कर्मचारियों से कहा है कि घर पर रहकर ही ऑफिस का काम निपटाएं। बताया जा रहा है कि यहां पर प्राइवेट टैंकर का पानी 6,000 रुपये प्रति टैंकर हो गया है। इसके लिए भी 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ रहा है। देश में बढ़ते जल संकट का सबसे बड़ा शिकार बना है चेन्नई, जहां चेन्नई एक ऐसा शहर बन गया है जहां पानी बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर शहर को पानी देने के लिए 4 जलाशय हैं, लेकिन चारों सूख रहे हैं और इनमें 1% पानी ही बचा है। चेन्नई के हालात बताते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में पानी की क्या हालत होने वाली है। किसी ने ठीक ही कहा है कि आने वाला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। चेन्नई के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर टैंकरों से टोकन देकर पानी वितरित किया जा रहा है और कई इलाकों में हिंसक हालात पैदा भी हो गए हैं। तो क्या लगता है इस स्थिति को देखते हुए जो चेन्नई में बन रही है, कि क्या और भी शहरों में इस तरह के हालात उभर सकते हैं, और क्या देश में वाकई जल संकट छा सकता है जो विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।